फ्रेंड्स हेलो वेलकम, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। और आज का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसका नाम है नेबुलाइजर मशीन। तो आज मैं इस मशीन की जानकारी आपको देने वाला हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस मशीन को नेबुलाइजर मशीन कहते हैं और ये करंट का वायर है जिसको हमको करंट को अटैच करना है। और ये एक ट्यूब है जिसे हम नेबुलाइजर को जोड़ते हैं, एक सिरा इसका इस जगह जोड़ते हैं और दूसरा जो इसका पॉइंट है उसे हम एक चेंबर को जोड़ते हैं, नेबुलाइजर मशीन के चेंबर को। और वो चेंबर को हम मास से लगाते हैं। ये चेंबर है वो जिसे हम जोड़ते हैं। देखिए अब इस मास को इस चेंबर से अटैच करते हैं और इस चेंबर में हम नेबुलाइजर मशीन का लिक्विड, नेबुलाइजेशन का लिक्विड देते हैं, जैसे कि ड्यूलिन है, पोटिकार्ट है। और इसी तरीके से ये मशीन बहुत ही अच्छी मशीन है, अस्थमेटिक पेशेंट में यूज़ होती है, बच्चों पेशेंट में यूज़ होती है, चिल्ड्रन चाइल्ड पेशेंट में यूज़ होती है, बच्चों में यूज़ होती है। भाप देने के लिए इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है। और किसी भी अस्थमा हो, सर्दी हो, खांसी हो, इन तमाम चीज़ों में ये मशीन का बहुत ही अच्छा रोल है। ये भी एक भाप लेने का एक मशीन है, भाप लेने का एक मास्क है जैसा, उसको यूज़ करते हैं, ऊपर का मास्क काटते हैं और फिर उसको चेंबर से जोड़ते हैं। जैसे बताया ये मास्क है एडल्ट का और चेंबर है, ये ऑन ऑफ का बटन है। फ्रेंड्स ये बहुत ही अद्भुत मशीन है, इसका यूज़ हमें वारंवार होता है और इसे हमें घर पे ला के रखना चाहिए, बहुत ही अच्छी मशीन है। और आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।